भाई मार्वल सीरीज के अंदर कल लोकी रिलीज होने जा रही है, तो लोकी देखने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं, अगर आप वो देख लें लोकी के बारे में तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे कुछ फैक्ट्स लोकी के बारे में आज की वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने थोर रैग्नारोक मूवी तो जरूर देखी होगी, उसके अंदर आपने देखा हेला को, जो कि ऑडिन की बेटी थी, यानी लोकी और थोर की बहन। लेकिन कॉमिक के अंदर जो हेला को दिखाया गया है वो लोकी की बेटी दिखाया गया है, यानी डॉटर ऑफ लोकी दिखाया गया है कॉमिक के अंदर। अब एक बड़ा एक अजीब सा कंसेप्ट था कि कॉमिक और मूवी को क्यों इस तरीके से अलग अलग रखा। मूवी के अंदर उसको ओडन की बेटी दिखाया गया जबकि कॉमिक के अंदर उसको लोकी की बेटी दिखाया गया, जबकि उसकी बर्थ भी यूटनहाइम पे हुई, जहाँ पे लोकी की बर्थ हुई थी, जहाँ से लोकी बिलोंग करता है, वो जॉइंट्स जो थे। तो हालांकि बर्थ भी कॉमिक के अंदर यूटनहाइम के अंदर ही हुई थी। दूसरा फैक्ट लोकी के बारे में, वैसे तो हम सारे कोई भी हेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन लोकी एक ऐसा करेक्टर है जो कि बाहर की दुनिया से उकता कर तंग आ गया था, तो उसने हेल में जाना पसंद किया, उसने हेल में जाके रहना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पे उसको एक मसला हुआ, मार्वल का एक करेक्टर जिसका नाम है मेफिस्टो, वो वहां पे किंग था। तो लोकी जो कि अपनी सुपर पावर की वजह से जाना जाता है कि वो दिमाग को मैनिपुलेट भी कर सकता है, तो उनके दिमाग को मैनिपुलेट करके लोकी उसको खबर हुए बगैर ही कितने 10 साल तक वहां पे रहा और उसको एक जरा भी खबर नहीं हुई। शुरू में भाई लोकी को म्यूजिक से बिल्कुल चिढ़ थी, लेकिन जब उसने अर्थ पे आना शुरू किया, अर्थ पे विजिट करना शुरू किया, तो उसने म्यूजिक सुना, तो फिर इस तरीके से वो एक म्यूजिक लवर भी बन गया। लोकी की एक और पावर कि वो किसी का भी रूप ले सकता है, किसी चीज का, किसी इंसान का। तो कॉमिक्स के अंदर हमें मिलता है कि लोकी 8 साल तक औरत बन के भी रहा और उस दौरान उसने बहुत ज्यादा बच्चों को भी जन्म दिया। लोकी और थोर और ओडिन ये नॉर्स मिथोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं जिनको मार्वल के अंदर लाया गया, ये उनसे इंस्पायर होके नॉर्स मिथोलॉजी से यहाँ पे लाया गया। अब बात करते हैं लोकी के वेपन्स के बारे में। लोकी के पास एक ऐसी तलवार है जिसे टूथ सोर्ड कहा जाता है, जैसे कि अगर आप वंडर वूमन देखें तो उसकी वो जो रस्सी है जो वो काम करती है, वो जिससे पकड़ती है, लोग सच बोलना शुरू कर देते हैं। लोकी के पास जो सोर्ड है, जो तलवार है, उससे भी लोग सच बोलना शुरू कर देते हैं। जब वो तलवार किसी को मारी जाती है तो वो सच बोलते हैं, वो अलहदा बात है, उसके बाद वो बंदा मर जाता है। फिर लोकी के पास जो शूज़ हैं वो कोई आम शूज़ नहीं, आपने देखे होंगे कि वो लॉन्ग शूज़ हैं और वो किसी भी सरफेस के ऊपर चल सकता है, जहाँ पे चलना मुमकिन ही नहीं वहाँ पे भी उन शूज़ की मदद से ही चल सकता है। अब बात करते हैं ये कहाँ से आए लोकी के पास, तो बिल्कुल ठीक आपने सोचा होगा कि लोकी ने ये चुराए थे। फिर हमें कॉमिक्स में मिलता है कि लोकी के पास एक इनविजिबल कोट है, जैसा कि हैरी पॉटर के अंदर हमने देखा, इसी तरीके का लोकी के पास कोट है जो कि पहन के बंदा इनविजिबल हो जाता है। मार्वल की मूवीज के अंदर तो हमें लोकी इतना स्ट्रांग नहीं दिखाया गया, जबकि कॉमिक के अंदर एक जगह उसकी थोर के साथ लड़ाई होती है, तो थोर एक बिल्डिंग में होता है तो लोकी एक पंच से पूरी बिल्डिंग को उड़ा के रख देता है। ये लोकी की स्ट्रेंथ कॉमिक के अंदर है, वैसी स्ट्रेंथ अभी तक मूवी में देखने को नहीं मिली। क्या पता अभी जो कल सीरीज आ रही है वहां पे लोकी की फुल स्ट्रेंथ हमें दिखाई जाए। भाई लोकी की सुपर पावर्स और उसकी स्ट्रेंथ की बातें तो सारी करते हैं, लेकिन इसकी एक वीकनेस भी है और वो वाकई ही वीकनेस है। उसकी वीकनेस है पानी। पानी के अंदर ना तो लोकी तैर सकता है, पानी के ऊपर ना इसका मैजिक चलता है, ना ही ये शेप शफल कर सकता है, तो ये लोकी पानी इसकी बड़ी ज़्यादा वीकनेस और ये से दूर भागता है। ये चंद फैक्ट्स थे लोकी के बारे में जो कि मूवी देखने से पहले, लोकी सीरीज देखने से पहले आपको बताने ज़रूरी थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इसी तरीके की 1000 वीडियोज आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।